सभी लोगन को गुड मॉर्निंग। जितने भी हमारे नए पुराने वीडियो देख रहे दिखैया हैं, आप देख रहे लॉकडाउन गार्डन, और लॉकडाउन गार्डन में आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं जुगाड़ू, कम खर्चे में और आसान तरीके से सब्जियां उगाना। देखो अब जो है हमारे गार्डन में छत पे गमले में भिंडियां आना भी शुरू हो गई हैं। देखो गमले में आना शुरू हो गई हैं। इस वीडियो का विषय है भिंडी, और भिंडी में हम तीन चीज़ें आज सीखने वाले हैं, बस तीन पे बात करें, ज़्यादा नहीं। देखो गमले को साइज, और भिंडी को कैसे कब उगा सकते हैं, और जो है कि एक परिवार के लाने अपन को कितने भिंडी के पेड़ लगाने। अभी ज़्यादा चर्चा नहीं, केवल तीन बातों पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारा पेड़ जल्दी जर्मिनेट हो गई थी, है ना, देखो इसमें अभी जी लगी हैं, निकरत आ रही हैं, देखो भिंडियाँ। और देखो ये भी बता दें आपको, देखो एक बीता में बहुत छोटो पेड़ इसको होते हैं और भिंडी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे अपन बात कर लेते हैं भिंडी के साइज़ के बारे में, तो भिंडी के गमले को साइज़ जो अपन को रखने हैं वो अपन को रखने हैं 10 इंच चौड़ाई, 10 इंच अपन को गहराई रखने हैं। तो अपन उसमें एक पेड़ लगाएं, बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लालच ना करियो, तीन चार पेड़ लगा दो इकट्ठे, अपन जित तो बता रहे हो उतना ही करना है। हाँ एक पेड़ लगाने अपन को, ठीक है, हाँ समझदार हो आप, सब समझ रहे हैं, हाँ एक पेड़ लगाने, ठीक है। अब जो है जो तो हमारे बड़ो साइज है, मतलब कि एक हमने अलग से लगा दी थी, इमें हमारे जो करेला के दो पेड़ है लगे, तो साइड में किनारे में हमने एक जो लगा दी, ठीक है। चलो आगे हम बात कर ले रहे हैं आपको कि हमारे जे हमारे लगो है जो देखो साइज जो है कम से कम 24 इंच को करीब जो लगो है हमारा है, और इसमें हमने लगाए हैं 1 2 3 4 5 6, कौनों जल्दी जर्मिनेट हो गए, बड़े बड़े हो गए, और कौनों छोटे। देखो इसमें भी जो है देखो कलियाँ आना शुरू हो गई हैं, कली निकल रही हैं, इसमें भी कली निकल रही हैं, देख लो आप। तो बहुत जल्दी अब हमें अपनी छत से मिलन लगने हैं ये खाने को अपन को भिंडी, ठीक है। देखो इसमें हमने 4-5 पेड़ हमें रखने हैं, बाकी और जो छोटंग के बच्चा हैं, बचकानी ये बाद में निकले हैं, कमज़ोर बच्चा है, ये विकलांग हो गए, इनको अलग कर देने, ठीक है। अच्छा देखो एक जी लगाई थी हमने, ये है 10x10, एक ही पेड़ रखने हैं अपन को इसमें, ठीक है, हाँ ठीक है। जे है हमने कुल लगा रखे हैं अपन को, तो जो गमले को साइज होगा। अब बात कर रहे हैं अपन के मौसम और कब लगा सकते हैं इनको, अपन लगा सकते हैं कि फरवरी, लास्ट फरवरी से ध्यान रखियो, फिर नहीं जल्दी हो, शुरू ही में तो मंगा दो, फरवरी लग गई बस उगा दी, अपन ने बीज गाड़ दिए अपन ने, नहीं आखिरी फरवरी में अपन को लगा देने सबसे अच्छा टाइम होते हैं, लेकिन हमने नहीं लगा पाए थे किसी वजह से, सो जो है आपको लगा देने हैं। तो जैसे ही बाज़ार में सब ये भिंडी आना शुरू होगी तो अपन को अपनी छत से मिलन लगने हैं, ठीक है। तो जो हो गई अपन की, यानी फरवरी से लेके पूरी गर्मी, पूरी छत की पूरी तपतपादी धूप में अपन को रखने, ये गर्मियन वाली ही सब्जी है, अपन को टेंशन नहीं लेने, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम चर्चा कर ले रहे हैं अब कि अपन को, अगर अपन को तीन चार लोगों को परिवार है, घर में तीन चार सदस्य हैं, तो अपन को कितनी जो है सब्जी वो कितने पेड़ लगाने हैं। देखो बता दें कि तीन चार लोगों के लाने अपन को कम से कम 10-12 यही करीब अपन को एवरेज रखने हैं, तो अपन को पेड़ लगा देने हैं। हमारे भी कुल पेड़ लगे हैं 10-6 इसमें लगे, जे लगे एक बहुत दिखाई थी हमने आपको, जे लगे हैं, इनको भी अभी देख रहे कौन ज़्यादा कामयाब हो रहे, जो नहीं हो रहे सो उन्हें हटा दें हैं, दूसरे में लगा दें, और भी हमारे अभी ऐसी गमला में एक आध दो और लगे हैं अभी, तो हमारे 10-12-15 पेड़ हो गए हैं, ठीक है। इस चीज़ को अपन को ख्याल रखने, जो रही हमारी आधी अधूरी जानकारी, पूरी जानकारी, रोग कैसे लगत है इसमें, कब कब खाद देने हैं, मिट्टी कैसी रखने, वो हम आपको अपनी अगले वाली अपडेट में दें हैं, हाँ। तो इंतज़ार करने अपन को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।